गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल दुनिया देखो ए टू जेड में आपका एक बार हम फिर से स्वागत करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा गैम्बलिंग हब, कैसीनो और एंटरटेनमेंट का कैपिटल है लास वेगास। आज हम अपने सफर की शुरुआत लास वेगास से ही करेंगे और हमारी यूएस की ट्रिप को आगे बढ़ाएंगे और साथ ही साथ यहाँ के टॉप 10 टूरिस्ट अट्रैक्शन के बारे में भी बात करेंगे। यूएसए के नेवाडा स्टेट में रेड कैनियन और हूवर डैम के बीच में स्थित है लास वेगास। हर साल पूरी दुनिया से करीब 5 करोड़ से भी ज्यादा टूरिस्ट इस जगह को विजिट करते हैं। एंटरटेनमेंट से भरे शहर को देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। Nothing I can do, I can never get to you. So I'm looking for a miracle, like somebody be so beautiful. आज के सफर की शुरुआत करते हैं ग्रैंड कैनियन और हूवर डैम से। लास वेगास से कुछ ही दूरी पर स्थित मोस्ट विजिटेड नेचुरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड ग्रैंड कैनियन और यूएसए का सबसे बड़ा हूवर डैम, जिस पर हम एक ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। आशा करती हूँ आपने वो वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिए और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यह है दुनिया का मोस्ट फेमस एरिया द स्ट्रिप, जहाँ पर दुनिया के एक से बढ़कर एक डिजाइनर शॉपर एरिया, वर्ल्ड फेमस होटल्स, रिसोर्ट और साथ ही साथ बहुत सारे कैसिनोज हैं। यहाँ पर बनी सभी होटल्स और कैसिनो आसपास ही है। अगर आप चाहें तो घूमकर पैदल चलकर भी उन्हें देख सकते हैं और अगर आप पूरी स्ट्रिप को घूमना चाहते हैं तो यहाँ पर मोनोरेल की व्यवस्था है जिसकी सवारी करके आप पूरी स्ट्रिप को देख सकते हैं, जिसकी लंबाई करीब 7 किलोमीटर है। मेगा गैम्बलिंग कैसिनो होटल्स, लास वेगास को दुनिया का गैम्बलिंग हब माना जाता है और 1931 से यहाँ पर गैम्बलिंग लीगल है, इसलिए यहाँ पर आप हर होटल की लॉबी में गैम्बलिंग मशीन और कैसिनो टेबल्स को देख सकते हैं और अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। यहाँ के कैसिनो नॉनस्टॉप 24 आवर्स ओपन रहते हैं। यहाँ के कुछ खास कैसिनो होटल्स है, उनमें सबसे पहला नाम आता है MGM ग्रैंड होटल, जो कि यूएसए की लार्जेस्ट सिंगल होटल है। इसे क्लासिक हॉलीवुड आर्ट डेको थीम से बनाया गया है और द सिटी ऑफ एंटरटेनमेंट भी कहा जाता है। होटल बेलेजियो, जो अपने म्यूजिकल फाउंटेन के लिए फेमस है, न्यूयॉर्क। यहाँ पर आप स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के रेप्लिका को देख सकते हैं, साथ ही साथ रोलर कोस्टर राइड और लाइव शो एंजॉय कर सकते हैं। वेगास के कुछ होटल्स ट्राम से कनेक्टेड है तो आप फ्रीली इन होटल्स में घूम सकते हैं और वहाँ के शॉपिंग एरिया में आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। फ्रीमोंट स्ट्रीट लास वेगास के डाउनटाउन में है। नियोन म्यूजियम डाउनटाउन में है और यहाँ पर आपको आइकॉनिक नियोन और फेमस साइनबोर्ड का वंडरफुल कलेक्शन देखने को मिल सकता है। स्ट्रासोफिया टावर, यह यूएसए का टॉलेस्ट स्टैंडिंग ऑब्जर्वेटरी टावर है। 1000 फीट से भी लंबा यह टावर स्पेशली थ्रिल राइड के लिए फेमस है। यहाँ से सीधे चलते हैं आर्ट डिस्ट्रिक्ट। अगर आप आर्ट लवर हैं तो आपको इस जगह को जरूर विजिट करना चाहिए। यहाँ पर आप बहुत सारी आर्ट गैलरीज के साथ साथ आर्ट परफॉर्मेंस को भी देख सकते हैं। अगर आप लास वेगास के 360 टॉप व्यू को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको हाई रोलर फेरी व्हील्स की राइड जरूर लेनी चाहिए। यह दुनिया का लार्जेस्ट फेरी व्हील है, जो करीब 550 फीट ऊंचा है और इसकी 30 मिनट की राइड को एंजॉय करने के लिए आपको $41
की टिकट लेनी होगी, और अगर आप चाहें तो हेलीकॉप्टर की राइड करके भी लास वेगास के टॉप व्यू को देख सकते हैं, जिसकी 15 से 20 मिनट की राइड के लिए आपको करीब $100 का टिकट पे करना होगा। अगर आप लाइव शो देखना चाहते हैं तो लास वेगास की हर बड़ी होटल में लाइव शोज कॉन्सर्ट रेगुलरली होते हैं, जिसमें जेनिफर लोपेज जैसे कई बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी परफॉर्म करते हुए आपको दिख सकते हैं। अगर आप फूडीज है, खाने के शौकीन है, तो लास वेगास में आपको हर तरह के खाने की चॉइस मिल सकती है। इस कॉस्मोपॉलिटन अर्बन फूड हॉल में आपको कई तरह के फूड, बिवरेजेस, कॉफी, टकीला, कॉकटेल और जैसी कई भी चीजें आपको ट्राई करने के लिए मिल सकती है। वेगास में अल्कोहल लीगल है, इसलिए आपको यहाँ पर हर तरह की नई वेराइटी को एक्सप्लोर करने का मौका मिल सकता है। हम जिस होटल में रुके हैं उसका नाम हॉलीवुड प्लेटिनियम है और इसके 52 फ्लोर पर हमारा रूम है, जहां से आप बेलजिनो और फाउंटेन स्ट्रिप का सीधा व्यू देख सकते हैं। इसी के साथ आज के सफर को खत्म करते हैं। आशा करती हूँ आपको हमारे साथ सफर करने में और वीडियो देखने में मजा आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।